So fundamentally, you're asking people who have weak legs, can they walk? So tell me, if they don't walk, how will they strengthen their legs? हमारे दिमाग में यही आता है, चलने पे नुकसान होता है, पर चलने से नुकसान नहीं होगा। आप अगर ज्यादा चलेंगे तो, क्योंकि आप झेल नहीं पाएंगे, तो नुकसान हो सकता है। तो दोबारा से सवाल और क्वेश्चन तो यही है ना कि आपकी क्षमता कितनी है, और क्षमता बढ़ाना ही उपाय है। तो आपकी जितनी क्षमता है उतना करें काम। कुंभक में हम आपको ये तो नहीं बोल रहे कि आप सांस रोकें और अपना नुकसान कर दें। आज तक बताइए, ह्यूमन हिस्ट्री में, मानवता के इतिहास में, इज देयर एनी वन पर्सन हु हैज हेल्ड हिज और हर ब्रेथ एंड हैज डाइड? एक भी एग्जांपल नहीं, आई थिंक, क्योंकि हो नहीं सकता। समबडी हैज टू स्टॉप योर ब्रेथ, फांसी लगानी पड़ेगी, है ना? कोई जबरदस्ती चीज होगी तभी। सांस आप रोक के मृत्यु को नहीं, मृत्यु की तरफ नहीं जा सकते। और सांस रोकने की बात ही कुंभक नहीं है, जहां भी आप एफर्ट लगाते हैं वो कुंभक है। सांस रोकने में भी एफर्ट लगता है और बोलने में भी एफर्ट लगता है। तो क्या बोलना बंद कर देंगे? एफर्ट लगाना ही बंद कर देंगे? देखने में भी एफर्ट लगता है, सूंघने में भी एफर्ट लगता है, सुनने में भी एफर्ट लगता है। तो इस सबके पीछे कुंभक है। कुंभक तो आप कर ही रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। आप शरीर हिलाते हैं उस समय कुंभक होता ही है, एफर्ट आप लगाते हैं कोई भी एफर्ट में। तो जीवन की परिभाषा क्या है? वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? मेकिंग एफर्ट। टेल मी अ पर्सन हु कैन नॉट मेक एफर्ट, इज ही लिविंग और डेड? एक इंसान जो बल जोर लगा नहीं सकता, वो जिंदा है या मुर्दा है? लाइफ का मतलब ही एफर्ट होता है। और लाइफ को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, द मोर यू आर एबल टू मेक एफर्ट, द मोर यू आर अलाइव, द मोर यू एक्सपीरियंस लाइफ। तो पांव कमजोर हैं तो बिस्तर पर पड़े रहने से पांव ठीक हो जाएंगे, व्हीलचेयर पे आने से पांव ठीक हो जाएंगे, क्रचेस लेने से पांव ठीक हो जाएंगे। तो आपको चलना पड़ेगा। हाँ, चल उतना ही पाएंगे जितने की आपकी क्षमता है, लेकिन कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कहा जा रहा 25 किलोमीटर चलिए, आप 25 मीटर ही चलिए, लेकिन वहां से शुरुआत करें। तो कुंभक में प्राइमरीली हम लोग ब्रेथ होल्ड को इस्तेमाल करेंगे, मगर उसके अलावा भी और भी चीज करेंगे। कुंभक केवल ब्रेथ होल्ड की बात नहीं है, मगर कितना करेंगे? हम कितना भी बोलें, सामने वाला तो उतना ही कर पाएगा ना जितनी उसकी क्षमता है। तो वो लेकिन शुरुआत करेगा तो वो देखेंगे कि उनकी क्षमता बढ़ती जाएगी। सीधा सीधा रिजल्ट है इसका, डायरेक्ट रिजल्ट है। आप एक राउंड कर लें और तीसरा राउंड करें तो तीसरे राउंड में आप पहले राउंड के मुकाबले में ज्यादा सक्षम होंगे। इतना फास्ट काम करता है, इससे फास्ट कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन जो आपका आपका मापदंड है, आपका पैरामीटर है, जस्ट टू रीच टू दैट पैरामीटर, इट माइट टेक टाइम, बिकॉज द काइंड ऑफ मोमेंटम, डैमेजिंग मोमेंटम दैट योर बॉडी हैज टेकन अप और यू हैव क्रिएटेड, इट विल टेक सम टाइम टू रिवर्स इट कंप्लीटली। टाइम इज द ओनली थिंग, बट देर इज नो अदर ऑप्शन, यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। एंड लेट मी गारंटी यू, if you start somewhere, in some time, your whole life is going to transform. आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आप जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने लग जाएंगे, ये पक्का है।